तो आज मैंने बनाई है बेसन की सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो चलिए तैयार करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने मसाले को तैयार करेंगे। तो मसालों में मैंने धनिया, जीरा और सौंफ ले लिया है और थोड़ी सी खड़े गरम मसाला और जी लाल मिर्च और लहसुन ले लिया है और इसे मैं पीस लेती हूँ। और अब मैं बेसन ले लेती हूँ। इसमें हल्दी पाउडर, नमक और जो मैंने मसाले पीसा था उसमें से एक चम्मच से धनिया के पत्ते डालकर और मैं इसका एक घोल बनाकर तैयार कर लेती हूँ। मेरी घोल थोड़ी सी पतली लग रही है तो इसमें मैं आधा चम्मच बेसन और डालूंगी। तवा लेती हूँ और इसमें थोड़ी सी तेल लगाकर इस तरह ग्रीस कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा घोल डाल के इस तरह से फैला देंगे और इसे मीडियम आंच पे ही सेकेंगे और इसे एक साइड से ही सेकना है, पलटना नहीं है। और जब ये एक साइड से अच्छे से सेक जाएगी तब इसे इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। और ये मैं तीसरी चिल्ला तैयार कर रही हूँ। और ये भी अच्छे से सिक गई है तो इसे भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसे साइड में रख देते हैं। अब मैं एक कढ़ाई लूंगी और इसमें सरसों के तेल डालूंगे। ये सब्जी सरसों के तेल में ही अच्छी बनती है और इसमें मैंने 5 फोरन डाला है और इसमें प्याज डालेंगे और इसे भुनेंगे। और मैंने थोड़ी सी अदरक घस कर डाला है चुके हैं। इसमें मैं अब अपने पीसे हुए मसाले डालूंगी और उसे भी भून लूंगी। और इसमें मैं हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। और मेरे मसाले भून चुके हैं तो अब मैं इसमें पिसे हुए टमाटर डालूंगी। और थोड़े से ताजे हरे मटर डालूंगी और इन सबको भी अच्छे से भूनूंगी। और भुनने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे और एक अच्छा सा उबाल आने देते हैं। अब मैं इसे ढककर अच्छे से पकाऊंगी। और इस चिल्ले को हम छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं।
तो देखिए मेरी ग्रेवी तैयार हो चुकी है और मैं इसमें अब अपने सारे पीसेस डाल दूंगी और इसे अब सिर्फ आधा मिनट तक ही पकाऊंगी। और बस हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है और मैं इसे हरे धनिए के साथ सर्व करूंगी। तो लीजिए दोस्तों, हमारी सब्जी तैयार है। अगर आपको ये सब्ज़ी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।